What's up everyone, this is Pranay here and I welcome you to my channel. Before we go forward, I want to thank you. Oh bhai, last video pe kitna mast response aaya, I was not expecting it, but thanks a lot. Aapne apne din ke kuch minute nikale aur video dekha, that means a lot to me. Thanks a lot. अब इस वीडियो में हम दो चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं. पहला, मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, थोड़ा एक दूसरे को पहचान लें, और मैंने क्या चेंजेस किए अपने लाइफ में दैट आई एम फीलिंग गुड अबाउट. सेकेंड इज़ वॉट कैन यू डू टू री इन्वेंट योर लाइफ. अब मैं अगर अपने बारे में थोड़ा सा बताऊँ तो यार, मैं देहरादून का रहने वाला हूँ. देहरादून एक सिटी है उत्तराखंड में, एंड इनफैक्ट इट इज़ द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड. एंड राइट नाउ आई एम मिसिंग दैट प्लेस लाइक एनी थिंग. मैं लास्ट टाइम देहरादून फेब में गया था, एंड यूजुअली एवरी सिक्स मंथ्स में सिंगापुर से इंडिया जाता रहता हूँ, बट बिकॉज ऑफ कोविड अब सारे प्लान्स कैंसिल आउट हो गए, एंड आई एम एक्चुअली मिसिंग देहरादून अ लॉट. तो अगर आप देहरादून से हो तो नीचे कमेंट करो. एंड प्रोफेशनली आई एम करेंटली वर्किंग इन सिंगापुर, एंड आई एम वर्किंग हियर एज अ कंसल्टेंट फॉर वन ऑफ द बैंक्स. लाइफ हैज़ बीन प्रिटी गुड. मेरे पे कोई कंप्लेन करने की रीज़न नहीं है, मेरे पे कोई यू नो क्रिप करने का रीज़न नहीं है, फिर भी लाइफ में वो बात नहीं आ रही. सो लास्ट टाइम जब मैं इंडिया से वापस आया, मुझे ये रियलाइजेशन हुई कि टू बी वेरी फ्रैंक, आई एम लिविंग अ वेरी वेरी गुड लाइफ. बट सब कुछ होने के बावजूद भी, हैविंग अ नाइस जॉब, लिविंग इन सिंगापुर, और मेरा हमेशा से एक सपना रहा है कि मैं बाहर जाके नौकरी करना चाहता था. इससे पहले मैं इंडिया से कभी बाहर नहीं आया था. तो आई वॉज लिविंग अ ड्रीम, बट उस ड्रीम में भी वो जील नहीं था. आई वॉज जस्ट नॉट एक्साइटेड अबाउट माई डे. पिछले 3 साल से मैं एक सपना अपने साथ लेके चल रहा था, पर उस पर कोई काम नहीं कर रहा था. वो था वी लॉगिंग का. कोई भी आइडिया आने से पहले मैं एक्सक्यूजेस के बारे में सोचने लग जाता था कि मेरे पे कैमरा नहीं है, कभी पैसे नहीं हैं, और इन वी लॉगिंग सिनारियो मेरी लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है. मैं बताता हूँ मेरा दिन कैसा होता है. नॉर्मली मैं 7 बजे उठता हूँ, उसके बाद आधे घंटे मैं मोबाइल पर रैंडम चीज़ें सर्च करते हुए निकाल देता हूँ. अगर किस्मत अच्छी हुई और मैं एक्टिव फील कर रहा होता हूँ तो मैं वॉक के लिए बाहर चले जाता हूँ. कोविड की वजह से ऑफिस जाना तो होता नहीं है, तो उसके बाद मैं 9 से 10 घंटे इस पोजीशन में बैठ के अपनी डे जॉब करता हूँ. अगर सुबह रनिंग करी है तो शाम को मैं वर्कआउट कर लेता हूँ. पर कोविड की वजह से वर्कआउट सेशंस तो मिल नहीं रहे हैं, एंड वीकेंड्स पे मैं थोड़ा बाहर घूमने चले जाऊंगा ज़्यादा से ज़्यादा. पर मेरा नॉर्मल डे हमेशा ऐसा ही होता है. फिर उसके बाद मैं मोस्ट ऑफ द डे खाली बैठा रहता हूँ. पर पिछले 2 महीने से मैंने अपने आप से एक कमिटमेंट की कि वॉट एवर द सिनारियो इज़, मैं बाहर निकलूँगा एंड आई विल शूट अ वीडियो, बी दैट गुड और बी दैट बैड, मैं वीडियो पोस्ट करूँगा. आई वॉज़ हैप्पियर व्हेन आई वोक अप. अब बचपन में जैसे हम सो के उठते हैं और खुश होते हैं, वैसी फील वापस आने लगी थी. एंड गुड थिंग इज़, इसमें मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ. अपनी खुशी के लिए मैं अपने पे ही निर्भर हूँ, आत्मनिर्भर. अब बात करते हैं कि आप क्या कर सकते हो लाइफ में. पहली चीज़ टूअर्ड्स चेंजिंग योर लाइफ इज़ दैट यू नीड टू हैव अ रियलाइजेशन दैट यू नीड टू मेक अ चेंज इन योर लाइफ स्टाइल, क्योंकि दैट इज़ नॉट वर्किंग फॉर यू. अब अगर आप पहला पॉइंट समझ चुके हैं तो दूसरा पॉइंट ये होता है कि आप एक रूटीन बनाएं. अब आप चाहें तो एक मॉर्निंग रूटीन बना सकते हैं, या फिर आप एक इवनिंग रूटीन बना सकते हैं, जो भी आपको ज़्यादा सूट करे. पर आपको ये इंश्योर करना है कि बी इट वीकडे और वीकेंड, आप उस टाइम पे उस जगह हो और अपनी हॉबी के बारे में पढ़ रहे हो, सर्च कर रहे हो या प्रैक्टिस कर रहे हो. कि जो आप करना चाहते हो वो ऑलरेडी कोई कर रहा है लाइफ में, तो आप YouTube पे उसको सर्च करें एंड सी वॉट वर्क्स फॉर यू और वॉट वुड वर्क फॉर यू एंड वॉट डज नॉट. जितना ज़्यादा हो सकता है एब्जॉर्ब करें. तीसरा पॉइंट, एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट. देखो यार, कोई भी प्रोफेशनल एक दिन में नहीं बनता. वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ ये जो आप स्केड्यूल बना रहे हो या रूटीन बना रहे हो कि आप लॉन्ग टर्म फॉलो करते जाओ. सो आई वॉन्ट यू टू डू टू थिंग्स. पहला, बहुत ज़्यादा
अपने को एग्जॉस्ट नहीं करना है टुवर्ड्स दिस. शुरू में आई वॉन्ट यू टू गिव 15-20 और मैक्सिमम हाफ एन आवर फॉर दिस हॉबी. जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा आप इस टाइम को बढ़ाते रहिए, पर शुरुआत 15 से 20 मिनट से करिए ताकि यू आर एक्साइटेड अबाउट रीडिंग अबाउट इट, यू आर फोकस्ड अबाउट रीडिंग ऑन इट एंड आप एब्जॉर्ब कर पा रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा. एक डायरी लिख सकते हैं जिसमें आप रोज़ एक पॉइंट जो आपने सीखा वो डाल सकते हैं. उस दिन वो ज़्यादा नहीं लगेगा, पर आप अगर उस डायरी को 2 महीने बाद देखेंगे तो उसमें 60 पॉइंट्स आ चुके होंगे. तब आपको अपनी प्रोग्रेस दिखेगी एंड दैट्स गोइंग टू कीप यू मोटिवेटेड. इस प्रोसेस में आपको बस ये ध्यान रखना है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेकिंग दिस हैबिट यू डोंट बर्न आउट. सो डोंट ओवर स्ट्रेस योर सेल्फ. द ओनली थिंग दैट वी वॉन्ट टू मेक श्योर इज कि आपकी हैबिट से आपका एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप हो. एंड बस इतना ही है दोस्त, बहुत सिंपल चीज़ है एंड इट वर्क्स इन अ वेरी प्रोफाउंड मैनर. ट्रस्ट मी, इट्स अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस. एक महीना करके देखो, उसके बाद इस वीडियो पे आना एंड कमेंट डाउन इन द सेक्शन कि कैसा लगा. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो. आई विल बी पोस्टिंग वीडियोस एवरी वीक. कभी मैं बाहर जाता हूँ तो मैं उसके बारे में वीलॉग्स पोस्ट करूँगा एंड समटाइम्स आई एम गोइंग टू शेयर माय पर्सनल एक्सपीरियंस अबाउट माय लाइफ ऑन दिस चैनल. अगले हफ्ते मिलते हैं दोस्त.